चले स्टार्ट करें। ओनियन में कौन सा विटामिन, सबसे पहले जनरल शब्द बता दो, ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? एलियम सेफा। फैमिली क्या है? एलियेसी। पुष्प क्रम की बात करेगा तो अंबल, कौन सा पुष्प क्रम है? अंबल। सीजन की बात करें तो रबी सीजन और खरीफ। रबी में सीड रेट कम, कितना? 10 से 12। खरीफ में 12 से 15। डायरेक्ट अगर ब्रॉडकास्टिंग कर दे 25 kg, बल्ब लगा दें 750 kg, सेट्स लगा दे 10 से 12। यानी देख रहे हो बीज दर बढ़ता जा रहा है। बीज दर क्या होते जा रहे हैं बताओ? बढ़ते जा रहे। इसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में? बी। उत्पादन की राजस्थान में बात करें तो अलवर में। अच्छा, प्याज में बोल्टिंग कितने तापमान पे होते हैं? कम तापमान। और खरीफ ऋतु के लिए ये तो मैंने आपको बता दिया, B7 को हम बायोटीन कहते हैं, इसी को विटामिन एच के नाम से जानते हो। B9 को फॉलिक एसिड, बालों का झड़ना, इन सब से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया विटामिन B7 की कमी, B9 की कमी, B12 की कमी, सब मिला के होते हैं क्या? एनीमिया। ज्यादातर महिलाओं में पाए जाते हैं, इसीलिए महिलाएं चिड़चिड़ा होती है, गुस्सा ज्यादा आएगा, नर की अपेक्षा लड़की को देखता फट सा गुस्सा हो जाएगी, उसको चुकंदर का जूस पिलाया करो ना रोहैया, ध्यान रखना। बोल्टिंग जो होते हैं, समय से पहले क्या आ जाना? बीजों के डंठल आ जाना। प्री मैच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक किस में होता है? प्याज में, कैबेज में, लेट्यूस में और गार्लिक में बोल्टिंग होते हैं। ओनियन कितने तरह के मैंने बताया? 3 तरह के, लाल, येलो और व्हाइट। भारत में उत्पादन किस प्याज का होता है? लाल। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किसकी डिमांड होती है बताओ? येलो की। परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। पुष्प क्रम किसका होता है? अंबल। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, गाजर, प्याज, लहसुन, इन सब में क्या होता है? अंबल। ओनियन जो होते हैं एक बीज पत्री होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टान के रूप में पाया जाता है, जबकि बल्ब में रिच सोर्स होता है किसका? वेनेडियम का। एंजाइम की बात करें तो एलिनेज। पोटैटो ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा वर एग्रीगेटम, क्या है? एग्रीगेटम। जबकि ट्री ओनियन की बात करें तो बीबी पेरम, क्या नाम है इसका? बीबी पेरम। अगला इंपॉर्टेंट हम इसकी बात कर लेते हैं, प्याज में फूटान जर्मिनेशन को रोकने के लिए, जर्मिनेशन नहीं कह सकते हो यहाँ, अच्छा शब्द आता है स्प्राउटिंग, क्या आता है बताओ? स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग करते हैं, आजकल गामा किरण का रेडिएशन का उपयोग करते हैं। एंटी फंगल जो सब्सटेंस होता है उसका नाम है कैटेकॉल, और नमी को कम करने के लिए एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है क्यूरिंग। क्यूरिंग ओनियन में होता है, गार्लिक में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो, टर्मरिक, चाय और तंबाकू में होते हैं। एक्सपोर्ट के लिए अगर बोला जाए तो लाल किस्म है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पीली किस्म, सर्वाधिक जो एक्सपोर्ट करता है वो नीदरलैंड। अगर अपने देश की बात करें तो पूरी सब्जियों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है किसका? ओनियन का। किसका होता है बताओ? ओनियन का। ओनियन में पाया जाता है प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री और किसमें पाया जाता है? गाजर में, जबकि कोल क्रॉप में पाया जाता है प्रोटोगाइनी। इसकी पीएच की बात करें, अभी तक जितने क्रॉप पढ़ रहा है जिसका फल के अलावा हम अन्य भाग खाते हैं, उन सब की पीएच आपने देखा होगा 5.5 से लेकर 6.5। ये सॉल्ट टॉलरेंस होते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कौन कौन? एक तो हिसार 2 और दूसरा पंजाब सेलेक्शन। लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, जबकि इसकी स्टोरेज जो हम करेंगे 0 डिग्री पे, और जिसका फल खाते हैं उसको 5 से 7 डिग्री पे आप स्टोरेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पेस्ट की बात करें वो कौन है? थ्रिप्स। डिजीज की बात करते हैं तो पर्पल ब्लॉच और ब्लैक मॉल्ड, जबकि ब्लैक मॉल्ड जो होता है वो स्टोरेज डिजीज है, भंडारण में काला काला पाउडर आपको देखने को मिलेगा। किस्म की बात करें, देश में प्रगति कल्याण करना है तो आपको खरीफ ऋतु में प्याज लगाना पड़ेगा। एग्री फाउंड डार्क रेड N53 अर्का प्रगति और अर्का कल्याण। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेराइटी है वो है N53, उत्तरी भारत की सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें रेड लग जाए वो प्याज की वेराइटी है। और वो कौन कौन है? पूसा रेड है, नासिक रेड है, पटना रेड है, पूसा रत्नार है, कल्याणपुर रेड है, ये सब सारे रेड रेड जो है वो किसकी वेराइटी है? प्याज की। प्याज में मेल स्टेरिलिटी अगर पूछा जाए तो वो कौन सा मेल स्टेरिलिटी याद रखोगे? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कौन सा मेल स्टेरिलिटी? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाया जाता है किसमें? प्याज में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सपोर्ट के लिए अगर वेराइटी की बात करें तो वो कौन है? अर्का बिंदु, जबकि सॉल्ट टॉलरेंस कौन है? हिसार 2। चार वेराइटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। N53 जो है वो उत्तरी भारत की सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी, एग्री फाउंड डार्क रेड जो है वो भी खरीफ ऋतु का, और अर्का बिंदु जो है एक्सपोर्ट के लिए, और हिसार 2 है सॉल्ट टॉलरेंस वेराइटी।
किस्म की बात करें तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, निर्जलीकरण के लिए पंजाब 48 एक इंपॉर्टेंट वेराइटी आपको ध्यान में रखना है। 20 दर ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा अगर खरीफ रबी ऋतु की बात करें तो 10 से 12, खरीफ की बात करें तो 12 से 15, डायरेक्ट सोइंग की बात करें तो 25 केजी, बल्ब के द्वारा करें दोस्त तो 7 से 50 केजी, 750, और सेट्स ग्रुप ऑफ बल्ब को सेट्स कहते हैं, इसके द्वारा 10 से 12 क्विंटल। 20 दर आपको याद हो गया, बोल्टिंग क्या होता है, समय से पहले फूलों का डंठल आ जाना, बोल्टिंग लो टेम्परेचर पे होते हैं, फटना किसके कारण होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेट और बोरोन के कमी के कारण होता है, जबकि फूटान की हम बात करें इसके कंट्रोल के लिए मैलिक हाइड्राजाइड 2500 से 3000 पीपीएम डालते हैं, आजकल ये गामा इरेडिएशन का उपयोग करते हैं। दो इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करें, अल्टरनेरिया पोरिन कवक के द्वारा होता है, 28 से 30 डिग्री तापमान पे सबसे ज्यादा फैलते हैं, पर्पल ब्लॉच, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लैक मॉल्ड जो एस्परजिलस नाइगर से होता है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज डिजीज है। ओनियन स्मट की बात करें, येलो ड्वार्फ जो होता है माइकोप्लाज्मा से होते हैं, जबकि एस्टर येलो जो होता है वो किससे होते हैं, वायरस से। एस्परजिलस और पेनिसिलियम जो रॉट है, इंडिया में सबसे ज्यादा स्टोरेज डिजीज किसमें होते हैं, इसी के कारण होता है। पेस्ट की बात करें तो ओनियन थ्रिप्स, ओनियन फ्लाई इंपॉर्टेंट है, निमेटोड की बात करें तो ओनियन बल्ब एंड स्टेम निमेटोड जिसका नाम है डाइटाइलिंकस। तो ये रहा दोस्त ओनियन ओनियन की कहानी। अब हम बात करेंगे